जय जिनेन्द्र, सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्री द्वितीय वर्ष में हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में उत्तराध्ययन सूत्र को हम पढ़ाते हैं और विशेषकर उसका 12वां अध्ययन, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे कोर्स में है। अभी लॉकडाउन से पहले इसकी काफ़ी कुछ गाथाएं हम लोग कक्षा में पढ़ चुके हैं और जो शेष रह गई है उनको ही हमें पढ़ना है। आशा है आप सभी के पास उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ होगा और आप उसके 12वें अध्ययन को खोल लेंगे इस वीडियो को देखते समय, और नहीं तो मैं यहाँ स्क्रीन पर गाथाएं दिखाता रहूँगा और आपसे उसका भाव समझाएंगे। और इसके अलावा आपके पास हमने एक PDF भेजा है इसी ग्रंथ का। यदि किसी कारण से वो ग्रंथ कक्षा में छूट गया हो या उपलब्ध ना हो तो आप इस PDF से भी उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। इसका 12वें अध्ययन का नाम है हरिकेशीय, हरि ए सिज्जम बार समम अध्ययनम। बार समम अध्ययनम का अर्थ है 12वां अध्ययन, और हरिकेशीय बल इस अध्ययन का नाम है। तो हम लोग विद्यार्थियों, ये हरि ए सिज्ज हरिकेशीय बल मुनि की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है और वह जो शिक्षा है वह यह है कि धर्म के लिए किसी जाति या कुल या गोत्र से होना जरूरी नहीं है। किसी भी जाति कुल गोत्र का व्यक्ति धर्म को धारण कर सकता है और अपना आत्मकल्याण कर सकता है। तो हरिकेश बल एक मुनि थे जो कि चांडाल जाति के थे और उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने साधना से उन्होंने खूब ऊंचाइयां, आध्यात्मिक ऊंचाइयां अर्जित की। यह उत्तराध्ययन सूत्र का यह अध्ययन हमको यह सिखाता है। इस सूत्र में, इस अध्ययन में जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और हम सभी के लिए बड़ी प्रेरक है। आज हमने चूँकि ये गाथाएं कक्षा में पढ़ भी चुके हैं तो हम जल्दी जल्दी इन गाथाओं को ले लेते हैं और एक नज़र में आपको सारी गाथाओं का अर्थ ख्याल में आ जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। और इसकी भूमिका में थोड़ी सी बात भी बता दें कि ये उत्तराध्ययन सूत्र जो ग्रंथ है, चार मूल सूत्रों में एक सूत्र आता है उसको उत्तराध्ययन सूत्र कहते हैं। और ये जो श्वेतांबर संप्रदाय, जैन संप्रदाय के दो भेद हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, उसमें जो श्वेतांबर संप्रदाय है उनके द्वारा स्वीकृत ग्रंथ है। उनके यहाँ इसका बहुत पठन पाठन होता है और बहुत श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन सभी जगह देश विदेश में इसका कराया जाता है और ख़ासकर स्थानकवासी, तेरापंथी और मूर्ति पूजक जो भी लोग हैं वो इसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। और इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत उजागर किया गया है और ऐसा माना जाता है कि यह भगवान महावीर की अंतिम देशना थी। वो ऐसा मानते हैं जो अंतिम वाणी थी, अंतिम कड़ी थी, वो यही ग्रंथ था। इसलिए इस ग्रंथ के कोई रचयिता नहीं है बल्कि भगवान महावीर की ये वाणी है। तो उत्तराध्ययन सूत्र में कुल 36 अध्ययन हैं जिसमें किसी किसी क्लास में अलग अलग अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं। तो शास्त्री द्वितीय वर्ष में ये हरिकेश बल करके अध्ययन है। हम लोग गाथाओं के माध्यम से इसके अर्थ को समझेंगे। सुवाग कुल संभुवो गुणोत्तर धरो मुनि हरि एस बलो नाम आसी भिक्खु जीन्दियो। जो बातें मैं गाथाओं के साथ ही आपको विस्तृत बताता चलूँगा, ये प्राकृत अर्धमागधी प्राकृत की गाथा है जिसको हम लोग माने जैसे दो प्रकार की प्राकृत होती है, एक शौरसेनी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत। तो जो दिगंबर परंपरा में आगम लिखे गए हैं वो सारे आगम शौरसेनी प्राकृत के कहे जाते हैं और ये श्वेतांबर परंपरा का जो आगम है
उसे हम अर्धमागधी प्राकृत कहते हैं। तो इसमें जो प्राकृत प्रयुक्त हुई है भाषा की दृष्टि से वो अर्धमागधी प्राकृत प्रयुक्त हुई है। सोवाग कुल संभुवो, सोवाग का अर्थ होता है चांडाल, माने जो चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे। हरि एस बलो नाम, उनका नाम था हरिकेश बल। हरि एस बलो नाम आसी भिक्खु जींदियो, सोवाग कुल संभुवो गुणोत्तर धरो मुनि। चांडाल कुल में उत्पन्न होकर हरि एक केश बल नाम के एक मुनि थे जो चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, फिर भी वो गुणोत्तर धनो माने गुणों में सर्वोत्तम थे, ज्ञानादि उत्तम गुणों के धारक थे। और गुण माने होता है जैसे जिस भी जीव के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और पांच महाव्रत आदि होते हैं तो वो उनमें सर्वोत्तम थे, गुणोत्तर धरो वो उसके धारक थे। एवं जीन दियो, और वो जितेंद्री भी थे। भिक्षु, ऐसे वो निर्वध्य भिक्षजीवी को भिक्षु बोलते हैं। यह निर्वध्य भिक्षजीवी अस्ति माने जो मांग करके खाते हैं ऐसे भिक्षु कहलाते हैं। तो वो भिक्खु थे यानी मुनि थे। आसी, आसी ये भूतकाल का प्रयोग है माने ऐसे थे, जैसे कहानी सुनाते हैं ना वैसे करके कथा प्रारंभ की है कि हरिकेश बल नामक मुनि जो कि चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे और इसके बावजूद कि वो बड़े जो कि कुल अच्छा नहीं समझा जाता था, उस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया और तपस्या से उत्तम गुणों को भी धारण किया और वो इंद्रियों को जीत चुके थे, ऐसे भिक्षु थे। ऐसे भिक्षु जबकि उनकी जाति चांडाल कुल में उत्पन्न थी, तो ये पहली गाथा ही ये बताती है कि ज्ञान के लिए धर्म के लिए व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि उच्च कुल का धारक हो, अगर वह अपना पुरुषार्थ करता है और उसके अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो ज्ञान को भी धारण कर सकता है और चारित्र को भी धारण कर सकता है चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो। अब हम दूसरी गाथा को देखते हैं। इरी एसण भाषाए उच्चार समी ईसूय जो आयाण निखेवे संज ओ सुसमाहियो। यहाँ उन्हीं की विशेषता बतला रहे हैं जो हरिकेश बल नाम के मुनि हैं, वे कैसे थे। तो कह रहे हैं इरी एसण भाषाए, इरी माने ईरिया, एषण माने एषणा और भाषा, और उच्चार चार पांच प्रकार की समितियां मानी गई हैं, ईरिया एषणा भाषा उच्चारण और आधा निक्षेपण। इन समितियों में उच्चार समी सुय जो आयाण निक्षेपे और आधा निक्षेपण समिति में संज ओ सुसमाहियो, वो संयमी थे और सुसमाधिवान थे। माने ईरिया समिति में, ईरिया समिति का अर्थ होता है चार हाथ जमीन देख करके चलना गमन करना, जो मुनि होते हैं वो ईरिया समिति का पालन करते हैं। एषणा समिति माने आहार वगैरह लेते समय ध्यान रखना, सजगता से ग्रहण करना। भाषा समिति का अर्थ है बोलते समय बहुत हितमित प्रिय वचन बोलना, संभल कर बोलना। और उच्चारण समिति होती है परिनिष्ठापन, जैसे कहीं जहाँ पर थूक मल विसर्जन या मूत्र विसर्जन आदि करना हो तो बहुत देख समझ के सही उपयुक्त स्थान पर करना, जहाँ कोई हिंसा का प्रसंग ना बने, गंदगी का प्रसंग ना बने, किसी को उससे नुकसान ना हो, तो ऐसा ध्यान करके जो ये कार्य किया जाता है।
और आदान निक्षेपण होता है, कोई भी वस्तु लेते समय और देते समय, उस समय आदान निक्षेपण समिति माने बहुत लेना और देना, कुछ भी करना हो, उठाना रखना कोई भी वस्तु, तो उसमें बहुत केयरफुली माने उसको बहुत सजगता के साथ करना। तो ये पांच समितियां मानी गई हैं जो साधु के अंदर पाई जाती हैं। इसको उच्चार समीसु य, और उच्चार समिति में प्रश्रवण, खेल, जल, सिंघाण, परिनिष्ठापन समिति, ये सब इसी के अंतर्गत है। और इसमें जो सुसमाहियो, वो बहुत यत्नशील थे, जो माने यत्न, यत्न पूर्वक माने बड़े ध्यान से उसको करते थे, और सुसमाधिस्थ, और बड़े सुसमाधि संयमी पुरुष थे, संयमी संजो, वो बहुत संयमी और सुसमाधि माने समाधि में स्थित, हमेशा समाधि में रहने वाले संयमी पुरुष थे। कौन? हरिकेश बल। ये सब विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? हरिकेश बल की। अब देखिए तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं, मण गुत्तो वयण गुत्तो काय गुत्तो जींदियो भिकट्ठा बम्ब इज्जम्मी जन्यवाड़म उबट्ठियो। फिर उनकी कुछ विशेषता बतला रहे हैं कि मण गुत्तो मने मन गुप्ती से युक्त, वय गुप्तो मने वचन गुप्ती से युक्त, और काय गुप्तो मने काय गुप्ती से युक्त। गुप्ती, तीन प्रकार की गुप्तियाँ होती हैं, मन की गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो ये तीन गुप्तियाँ का, गुप्ती मतलब होता है कंट्रोल, माने मन को कंट्रोल करने वाले, वचन को कंट्रोल करने वाले, और अपनी काया की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले। ऐसे जो जितेंद्रिय माने इंद्रियों के विजेता, ये जो हमारे हरिकेश बल थे, उन्होंने भिक्खट्ठा माने भिक्षार्थम, किस चीज़ के लिए? भिक्षार्थम, भिक्षा के लिए वे गए। कहाँ? बभ इज्जम्मी जन्यवाड मुबट्ठियो, भिक्षार्थम ब्रह्मेज्ये यज्ञवाटे उपस्थितः। वह कहाँ गए? भिक्षार्थम, भिक्षा के लिए गए। कहाँ पर? जन्यवाटे, जन्यवाटे का अर्थ होता है यज्ञ मंडप, यज्ञ मंडप में जहाँ यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ वहाँ कौन कर रहा था? बम इज्जम्मी, ब्राह्मणों के द्वारा वह यज्ञ किया जा रहा था। वह एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए भिक्षा मांगने के लिए जहाँ कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ का कार्य कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। ऐसे जगह जाकर उबट्ठियो, वे उपस्थित हो गए माने वहाँ पर वो पहुँच गए, और पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने भिक्षा की याचना की। इसमें देखिए थोड़ा बहुत परिचय उनका लिखा हुआ है, जो टीकाकारों ने विशेष परिचय दिया हुआ है या व्याख्या की है, उसको भी हम देख सकते हैं। आपके पास पुस्तक है, आप उसको अच्छे से भली भांति देखेंगे। जैसे ही वो मुनि वहाँ पर, जहाँ ब्राह्मण विद्वान यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पर गए और संभवतः उन्होंने भिक्षा का निवेदन किया कि मुझे भिक्षा दे दो, तो वहाँ पर वो जो ब्राह्मणों के जो कुमार थे माने उनके जो शिष्य थे, युवा ब्राह्मण थे, उन्होंने वहाँ पर उस मुनि की अवज्ञा की और उनका उपहास उड़ाया। देखिए उस गाथा में इसी बात को कह रहे हैं, तम पासी ऊण मेज्जंतम तवेण परिसोसियम और पंतो वही उवगरणम उब हसंती अणारिया। तवेण माने तप से, तृतीया का प्रयोग है, तृतीया एक वचन का, तवेण तप से परिशोषियम, जो वो परिशोषित थे माने तप से जो सूखे हुए थे, ऐसे तप के द्वारा जो सूखे हुए माने परिशुष्क माने कृश हो गए थे, पंतो वही उपगरणम माने जिनका प्रांत उपधि उपकरण वाले थे, प्रांत का अर्थ होता है जीर्ण और मलिन, उपधि उपकरण माने जिनके वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनका उपकरण जीर्ण और मलिन हो गया था,
मैंने जिस पात्र में उन्हें भिक्षा चाहिए थी वो भी, और उनका जो थोड़ा बहुत वस्त्र उनके शरीर पर डला हुआ था वो भी फट गया था या फिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो एक तो उनका शरीर तप से सूख चुका था, बिल्कुल परिशुष्क हो गए थे, परिशोषियम। और उसके बाद पंतो वही उपकरणम, उनके जो उपकरण थे, उपाधि उपकरण थे, वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण और मलिन हो गए थे। ऐसे तम माने ऐसे उन मुनि को माने हरिकेश बल को पास ही ऊण देख करके, किसको देख करके, ऐसे जो मुनि हैं उनको देख करके, पास ही ऊण ऐसे मुनि को देख करके, पासी उनको दृष्ट्वा, हम संस्कृत में कहेंगे दृष्ट्वा, पासी उन माने दृष्ट्वा, तो आ प्रत्यय में ऊण, ऊण प्रत्यय प्राकृत में लगता है, तो देख करके उपहसंती अनारिया। कौन वे जो विद्वान थे वहाँ पर, वो हंसने लगे। तो यहाँ पे उनके लिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि एक तपस्वी को देख करके यदि कोई हंसता है तो वो शिष्ट नहीं कहलाता। अनार्य माने होता है अशिष्ट, और आर्य माने होता है शिष्ट। तो कह रहे हैं वे अशिष्ट लोग उब हंसंती, उनको देखकर हंसने लगे, यानी उनका मजाक उड़ाने लगे। इससे ये बात भी पता चलती है कि इस अध्याय में अनार्य किसको कहा, कि जिनका आचरण ठीक नहीं है, जो अशिष्ट हैं। सिर्फ जाति के कारण से कोई आर्य अनार्य नहीं होता है, बल्कि उसके व्यवहार के कारण से वह आर्य अनार्य कहलाता है। तो तम पासी ऊण मेज्जंतम तवेण परिशोषियम, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया ना, पंतो वही उवगरणम उव हसंती अनार्या, वे हंसने लगे उनको देख करके। मैंने उनकी यह हालत देखी, एक सूखे हुए शरीर का, तप के द्वारा जिसका शरीर सूख गया है, और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके उपकरण भी बहुत गंदे, ऐसे मुनि को अपने पास आता हुआ देखा तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे, उनसे हंसने लगे। अगली गाथा देखें, जाई मय पड़ी थद्धा हिंसगा अजि इंदिया अभम्ब चारिणो बाला इमम वयण मब्बी। जाई मैं पड़ी बद्धा, पड़ी थद्धा माने जाति मद से प्रतिस्तब्ध, जाति मद से जो अहंकार से युक्त थे, माने उनको अपनी जाति का घमंड था, जाति मद प्रतिस्तब्धा। और हिंसक अजित इंद्रिया, और वे हिंसक भी थे और अजितेंद्रिय माने उन्होंने इंद्रियों को भी नहीं जीता था, माने वो इंद्रियों के वशीभूत थे। वो जो कुमार, ब्राह्मण कुमार वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, वो कैसे स्वभाव के थे, तो कह रहे एक तो उनको जाति का मत बहुत था कि हम बहुत उच्च कुल के हैं, हम उच्च जाति के, और बड़े हिंसक तरह के थे, हिंस का अचि इंदिया और अजितेंद्रिय थे, अबम्बचारिणों और ब्रह्मचारी भी नहीं थे वो लोग, और बाला यानी अज्ञानी भी थे, अब्रह्मचारिणी बाला, वो बाला का अर्थ होता है अज्ञानी, वो अब्रह्मचारी भी थे अज्ञानी भी थे। ऐसे जो कुमार थे उन लोगों ने इमम बयण मब्बवी इदम वचनम अब्रुवन, वो इस प्रकार के वचन उन्होंने कहे, ते जाति मद युक्ताः आसन हिंसकाः अपि आसन अजितेंद्रियः अपि आसन तथा च अब्रह्मचारी अपि आसन अज्ञानी अपि आसन, ते उक्तवन्तः, उन्होंने क्या कहा, किससे, उनसे बोले, अब्बवी माने उनसे बोलने, वयणम अब्बवी माने उनसे बोलने लगे, किससे बोलने लगे, जो हरिकेश बल मुनि आए थे वहाँ पर उनका मजाक उड़ा रहे थे, फिर उनसे वो किस तरह से बात करने लगे। तो देखिए कितना विभत्स वर्णन, किस तरह से उनकी बात वो कर रहे हैं छठी गाथा में। कैरे आगच्छई दित्त रूवे काले विगराले फुक्कनासे ओम चेलये पंसु पिसाय भुए
शंकर दूसम परिहरय कंठे। वो क्या कह रहे हैं उनसे कि देखो ये यहाँ से लेंगे, दित्त रूवे लिखा है ना, अनवय यहाँ से करेंगे, जो दैत्य की तरह दिखाई दे रहा है दित्त रूवे, ये जो दैत्य की तरह माने राक्षस की तरह दिख रहा है, बीभत्स रूप वाला जो है, काले और ये काला कलूटा है, एक तो दैत्य की तरह दिख रहा है दित्त रूवे और काला कलूटा है, विकराले बड़ा विकराल टाइप का दिखाई दे रहा है, फोक नासे का अर्थ क्या है, जिसकी मोटी नाक है, बड़ी मोटी नाक वाला जो ये है फोक नास ओम चेलय, और बड़े कम वस्त्र इसने पहने हुए हैं, ओम चेलय माने बड़े कम वस्त्र वाला है, अल्प वस्त्र वाला है, और वो वस्त्र भी जीर्ण हो गए हैं, फट रहे हैं, और पंसु पिसाए भूये, और ये कैसा है, पंसु माने धूल दूषित हो चुका है, माने इसके शरीर पे धूल लगी हुई है, और उसके कारण पिसाए भूये, ये पिसाच की तरह दिखलाई दे रहा है, माने किसी भूत की तरह दिखलाई दे रहा है, और कंठे माने कंठ में गले में संकरम दूसम इस शमशानी फटा चिथड़ा परिहरय धारण किए हुए, जैसे कोई शमशान घाट पे कोई चमड़े डले रहते हैं फटे हुए, कौवे वगैरह वहाँ जो लाश में से निकाल करके चमड़ा फेंक देते हैं तो लटकता हुआ रहता है, तो ये जो मुनि थे इनका जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया तो गले से ऐसे ये चर्बी लटकने लगी होगी, उसके लिए कह रहे हैं कि इस तरह के जो है शमशानी शंकर दूसम माने इस तरह से जो शमशानी फटा चिथड़ा लिए हुए हैं परिहरई कंठे, परिहरती माने धारण करते हैं, कहाँ कंठ में, अब पहली लाइन से लेंगे कैरे आगच्छई, देखिए इस तरह का व्यक्ति ये कौन यहाँ पर आ रहा है, कैरे आगच्छई इस तरह का ये कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और अजीब अजीब शब्द बोल करके उनको अपमानित किया। अब देखिए सातवीं गाथा में भी आगे उसी तरह की बात कह रहे हैं, कैरे तुमम ये अदंसणिज्ये कायेव आसा इहमागोसी ओम चेलगा पंसु पिसाय भूया गच्छ खलाहि किमी ही ठियोसी। अब वो जो अनारे थे, वो जो आचरणहीन लड़के थे, वहाँ पढ़ रहे थे गुरुकुल में, वे किस तरह से बोल रहे हैं देखिए, यहाँ से लगाएंगे अ दंसणिज्जे, यहाँ से अन्वय करेंगे अदंसणिज्जे, कैसे लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम कैसे लग रहे हो, अदर्शनीय, वो अदर्शनीय रूप माने तुम अदर्शनीय माने देखने लायक नहीं हो, और तुमम कह रहे अदंसणिज्जे तुमम कह रहे ए हे अदर्शनीय माने देखने योग्य जो नहीं है, तुम कौन है, तुमम कह रहे तुम हो कया, तुम कौन हो, कतरस्तत्वमित्यदर्शनीय तुम कौन हो जो देखने लायक नहीं हो। फिर आगे कह रहे हैं वह काय आशा, किस आशा से यह मागोसी, और तुम किस आशा से यहाँ पर आए हो, माने एक तो तुम अच्छे दिख नहीं रहे हो, कौन हो तुम जो देखने लायक नहीं हो, और तुम किस आशा से, काय व आशा किस आशा से इहम आगोसी यहाँ आए हो, तुम किस आशा से यहाँ आए हो, ओम चेलगा पंसु पिसाय भूया, कह रहे हैं अरे जीर्ण वस्त्रधारी ओम चेलिया, पहले पढ़ा था ना ये आया था ओम चेलिया पिछली गाथा में, ओम चेलगा माने जीर्ण शीर्ण वस्त्रधारी,
पंसु पिसाय भूया, माने धूल धूसरित जो पिसाच की तरह दिखने वाले हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो? ओम चेल गया पंसु पिसाय भूया, ऐसे व्यक्ति तुम यहाँ क्यों आए हो? गच्छ, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ से चले जाओ, गच्छ खला ही, हटो यहाँ से। पिसाच भूत गच्छ अपसरह, किमि स्थितोसी, क्यों यहाँ पर बैठे हो, क्यों खड़े हो? किमियम ठियोसी, यहाँ स्थित क्यों हो, यहाँ पे क्यों खड़े हो? एक तो तुम क्यों आए, किस लिए यहाँ खड़े हो? अब देखिए इसमें हिंदी में भावार्थ समझते हैं। अरे अदर्शनीय, एक तो तुम कौन हो, कौन है वो जो देखने में अच्छे नहीं लग रहे, और यहाँ किस आशा से आए हो, और ऐसे जीर्ण और मैले वस्त्र जो तुमने पहन रखे हैं, और कम वस्त्र पहनने से अधनंगे जैसे दिख रहे हो, और ये धूल तुम्हारे शरीर पर चिपटी हुई है, उसके कारण तुम पिसाच जैसे शरीर वाले यहाँ क्यों आकर खड़े हो गए? चल हट यहाँ से, जैसे किसी को दुत्कारते हैं ना, चल हट यहाँ से, यहाँ तुम क्यों खड़े हो? तुम्हारे यहाँ कोई खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उल्टे सीधे शब्द बोल करके, बहुत अपमानित शब्दों का प्रयोग करके, उन वहाँ पर स्थित कुमारों ने उनकी बहुत अभिनय की और उनको अपमानित किया। अब अगली गाथा में हम देखते हैं। अब ये कथा यहाँ पर बड़ा रोचक मोड़ ले रही है, देखिए इसमें कहानी में कैसे बदलाव आता है। हम सभी जानते हैं कि जो मुनि होते हैं वे बड़े साम्य भाव के धारक होते हैं, और चाहे कोई उनका अपमान करे चाहे उनकी प्रशंसा करे, किसी की प्रशंसा से वे प्रसन्न नहीं होते हैं, और किसी की निंदा या अपमान करने से वो दुखी नहीं होते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ है जिसको हम समझेंगे कि वहाँ पर जहाँ मुनि का अपमान हो रहा था, वहाँ पर एक वृक्ष था, तिंदुक नाम का वृक्ष, और तिंदुक वृक्ष जिसे आबनूस वृक्ष बोलते हैं, आबनूस कहा जाता है स्थानीय भाषा में, वह एक वृक्ष था। तो उस पर एक यक्ष रहता था और वो यक्ष ये सब चीज़ देख रहा था, तो वो उस मुनि की सेवा करता था अदृश्य रूप से। तो उसने ये मुनि का अपमान होता देखा तो उसको सहन नहीं हुआ, तो उसने क्या किया कि वो स्वयं उनके मुनि के शरीर में प्रविष्ट हो गया और फिर उन लोगों से बहस करने लगा, उनसे बातचीत करने लगा। चूँकि मुनि इस तरह का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इस तरीके से जवाब दिलवाया गया कि एक यक्ष उनके अंदर प्रविष्ट हो गया और वो फिर अपने तरीके से उनसे बहस करने। देखिए गाथा पढ़ते हैं। जखो तहिम तिंदुई रुख्यवासी, अणुकंपो तस् महामुनिस्स, पच्छाय इत्ता नियगम शरीरम, इमाइम वैडाई मुदाहरित्था। उस समय वो जो महामुनि थे हरिकेश बल, उन पर एक अनुकंपा रखने वाला जखो माने यक्ष, तहिम तिंदुई रुख्यवासी, वहाँ पर एक तिंदुक नाम का वृक्ष था, उस पर रहने वाला एक यक्ष, रुख्यवासी माने वहाँ रहने वाला, तो वह जो तिंदुक वृक्ष पे रहने वाला एक यक्ष था, वो अणुकंपो तस्य महामुनिस्स, वो उस महामुनि की सेवा में रहता था और उनके प्रति अनुकंपा का भाव रखता था। तो उसने क्या किया, पच्छाय इत्ता नियगम शरीरम, उसने अपने शरीर को छिपा लिया ताकि न दिखे कि हम कौन हैं, और छिपा करके, और छिपा अपना शरीर तो छिपा लिया, लेकिन इसी के साथ यह अर्थ है कि वो अपने शरीर को छिपा कर मुनि के शरीर में प्रविष्ट हो गया, और प्रविष्ट होने के बाद नियगम शरीरम, पच्छाय इत्ता नियगम शरीरम, अपने शरीर को छिपा करके इमाइम वयणाई, वयणाइम उदाहरित था, इस प्रकार से उसने वचन कहे, जो आगे की गाथा है वो उसके वचन है, मैंने इमाइम वयणाइम माने ये वचन
उदाहरिता माने उसने कहे, माने तत्र यक्षः तिंदुक वृक्षवासी आसीत्, स अनुकंपया तस्य महामुनेः सेवां करोति स्म। तत्र सः निज शरीरं प्रक्षाद्य सो इमानी वचनानि उदाहरत। उन्हें उसने इस प्रकार के वचन कहे। कैसे वचन कहे? समणो अहम संजो ब्रह्मयारी विरो धड़ पयण परिगहाओ परप्पवित्तस्तौ विक्क काले अन्नस्य अट्ठा इहमागमोसि। वो कह रहे हैं कि वो अपना परिचय देते हुए बता रहे हैं, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर ये बता रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बातें अब कह रहे हैं वो मुनि नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो मुनि के अंदर प्रविष्ट जो वृक्ष यक्ष है वो ये सारी बातें अब उनसे कह रहा है। क्या कहा उसने? समणो मैं श्रमण हूँ, संयमो मैं संयत हूँ, संयमी जीव हूँ, ब्रह्मयारी मैं ब्रह्मचारी भी हूँ, और धन पयण परिग्रहाओ विरो मैं धन से पचन से, पचन का अर्थ होता है भोजन पकाने का, माने मैं स्वयं अपने लिए भोजन नहीं पचाता हूँ, मैं अपने लिए धन भी नहीं रखता हूँ, पचन माने भोजन पकाने का काम भी नहीं करता हूँ, और परिग्रह हर तरह के परिग्रह से मैं निवृत्त हूँ, मैंने छोड़ दिया ये सब, मैं साधु हूँ, मैं श्रमण हूँ, मैं संयत हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, और परप्पवित्तस्य उभिक्क काले अन्नस्य अट्ठा हिमागमो से, और मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा सब करके मैं तो भिक्ख खाले, मैंने मेरे भिक्षा का काल हो गया, भिक्षा का समय हो जाता है, तो मैं जो दूसरों के द्वारा निष्पन्न है, माने परप्पवित्तस्य दूसरों के लिए जो निष्पन्न है, दूसरों माने गृहस्थों के द्वारा जो निष्पन्न है, माने मैं खुद नहीं बनाऊंगा लेकिन जो गृहस्थ निर्मित करते हैं, और वो भी गृहस्थ लोग अपने लिए तो भोजन बनाते हैं लेकिन अतिथि के लिए भी थोड़ा बहुत भोजन बनाते हैं, तो वो जो मेरे लिए नहीं बनाया गया दूसरों के लिए निष्पन्न है, और गृहस्थ जो अपने लिए बनाता है, और मैं भिक्षा काल में उस भोजन को लेने के लिए, उस निष्पन्न आहार को लेने के लिए, अन्न के लिए अट्ठा अर्थ माने लिए, उसके लिए अन्नस्य अर्थ माने अन्न के लिए इहम यहाँ पर आग ओमी मैं यहाँ पर आया हूँ, उस अन्न के लिए मैं यहाँ पर आया, अर्थात अहम श्रमणो अहम तथा संयतो अपि अस्मि ब्रह्मचारी अपि अस्मि तथा च धन पचन परिग्रहात अहम विरतोस्मि तथा परप्रवृत्तस्य तु भिक्षाकाले परप्रवृत्तस्य अन्नस्य अर्थम गृहीतोस्मि, मैं अन्न लेता हूँ इसके लिए मैं यहाँ पर आगतोस्मि, अत्र आगतोस्मि, पर निर्मित यह अन्नाः सन्ति तेषां कृते अहम् अत्र आगच्छामि या आगतोस्मि, मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, ये यहाँ पर इसका भावार्थ है। तो उन्होंने कह दिया कि मैं जो गृहस्थ के लिए जो निष्पन्न आहार होता है गृहस्थों के द्वारा, उसको लेने के लिए यहाँ आपके यज्ञशाला में आया हूँ, क्योंकि आपके यहाँ बहुत यज्ञ हो रहा है, भोजन भी बन रहा है, तो जो हमारे तपस्वी लोग हैं उनके लिए भी भोजन अवश्य होगा। अब देखिए इसकी दसवीं जो गाथा है, विय ऋज्जई खज्जई भुज्जई य अन्नम पभूयम भवयाणमेयम, कह रहे हैं और जाना ही में जायण जीविणुत्ति शेषावशेषम लभौ तवस, कह रहे हैं कि भवयाणम यहाँ से लेंगे, भवयाणम आपके यहाँ पर एयम पभूयम अन्नम, भवयाणम एयम पभूयम भवताम एतत् प्रभूतम अन्नम अस्ति, पभूयम अन्नम
प्रचुर अन्न सामग्री है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ बहुत प्रचुर अन्न सामग्री वीरजयी दी जा रही है और खज्जयी खाई भी जा रही है, च या भुज्जयी और भोगी भी जा रही है। आपके यहाँ प्रचुर अन्न सामग्री है जो कि खाई भी जा रही है, दी भी जा रही है और भोगी भी जा रही है। जान ही आप यह निश्चित समझें, आप इस चीज़ को समझ लें, मैं जायना जीविणुत्ति, मैं याचना जीवी हूँ, अर्थात मैं भिक्षा जीवी हूँ। मैं खुद का खाना बना के नहीं खाता हूँ, मैं भिक्षा से ही मेरा जीवन चलता है। अतः शेषावशेषम, आपसे निवेदन है कि जो शेष बचा हुआ भोजन है, माने आप खूब खा लो, खूब आप बांट दो, सब कुछ करने के बाद जो बच जाए अन्न, क्योंकि कुछ ना कुछ बचेगा, तो जो बचा हुआ अन्न है जिसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं या फिर कहीं फेंक देते हैं, ऐसे बचे हुए अन्न से तवस्सी लभऊ, इस तपस्वी को भी मिल जाए, इस तपस्वी का भी उससे लाभ हो जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। माने यहाँ पर बहुत सारा प्रभूत अन्न है। अत्र प्रभूतम अन्नम भवताम एतत् अन्नम प्रभूतम अस्ति तत् वितीर्यते खाद्यते भुज्यते च। अत्र जानीत माम याचना जीवनम इति शेषाम अवशेषाम लभताम तपस्वी माम ददतु, या अवशेषम अन्नम अस्ति तर्हि माम ददतु इति निवेदनम वर्तते, इति निवेदनम अस्ति। इस प्रकार ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत अन्न बांटा जा रहा है, खाया जा रहा है, सब कुछ है, और मैं एक याचक हूँ, मैं एक भिक्षाजीवी व्यक्ति हूँ, तो तपस्वी हूँ, और सारी विशेषताएँ आपको पता ही हैं। तो आप ऐसा करो, जो अवशिष्ट अन्न है, यानी अपने अन्न में से नहीं, आपका हिस्सा नहीं मांग रहे, माने आपके यहाँ जो बच जाए लास्ट में, वो मेरे लिए दे देना, मुझे मेरा भी काम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने निवेदन वहाँ पर किया। अब इसके बाद ये जो प्रसंग है और भी अधिक रोचकता को प्राप्त होने वाला है। आप लोग इसी तरह इस कक्षा का आनंद लेते रहिए। अब अगले वीडियो में अगली गाथाओं, इसके 11वीं गाथा से मैं अपनी बात कहूँगा, और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न को रख सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।